अल्सिम ने शैतवान राजिमी बसिरा वरुम वबरकूँ हाँ का एक और अपिसोड के साथ मैं मूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम एंड हे वी हैव वंस अगेन द स्टूडियोज़ मिस्टर अदनान मिर्ज़ा सर कैसे हैं आप बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं अपनी हिफाजत खुद कीजिए यह आपने बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये हम आपको क्यों कह रहे हैं और ये टॉपिक आपके लिए क्यों लेकर आए हैं इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है रोड्स पूरे कराची की वैसे तो पूरे मुल्क में ये मामला चलते हैं लेकिन पूरे कराची का तो अजान साहब ये हाल है कि रोड्स जो है वो सारे टूटे हुए हैं मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो है ना बैक पेन का इशू हो गया मेरे साथ और वो ज़ाहिर है बाइक पे हम ज़्यादातर सफ़र करते हैं तो वो जंप्स खड्डे और आधे से ज़्यादा शहर जो है उसकी तो सड़कें वैसे ही टूटी हुई हैं और बाकी भी जो है वो कोई ख़ास सूरत हाल ठीक नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में आ, लगता यही है कि ये रोग जो है वो इतनी जल्दी बनने वाले भी नहीं है और सालों से ऐसे ही चलता हुआ रहा है हो ये रहा है कि जो रोग टूटे हुए हैं शहर के उनको तो बनाया नहीं जा रहा उनको जो है वो बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा किया है कि एहसान करने के लिए जो है ना वो जैसे कहते हैं कच्ची मट्टी जो होती है वो बजरी के साथ जो रेत मिक्स हुई हुई होती है वो डाल दी वो शहरीों पर जो है वो एहसान अजीम किया है बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ने कुछ जगहों पर वो किया है बाकी जगहें ऐसे ही हैं कोई पूछने वाला नहीं है और कुछ जगहों पर क्या हो रहा है कि सही है रोड कुछ टाइम पहले कारपेट हुआ है और वो ठीक है बिल्कुल और उसकी उसी के ऊपर ब्लेक चलाकर और वहाँ पर जो है वो बोर्ड लगाकर और तरक्याती काम जारी है मतलब वट आर यू ट्राइंग टू अम्पोज इस पॉलिसी तो खैर वो जो जिनका नाम आपने लिया है मुर्तज़ा वहाब साहब वही थोड़ा बहुत रोशनी डाल पाएंगे कि इस तरह के क्यों है कि हर जगह जो ना, आ, जहां है ना जहाँ पे रोड ख़राब है वहाँ की तो मरम्मत हो नहीं रही है और जहाँ पे ऑलरेडी रोड सही हैं उनको जो है स्क्रब करके जो है बेसिकली दोबारा रिकार्पेट के लिए जो है ना टाइम एक तो ये इशू है डेफिनेटली लेकिन उसके उसके अलावा भी जो है यहाँ पर एक तो बहुत टाइम लगता है रोड ठीक करने में नॉर्मली इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आई I मीन mean, इनके पास से साक्पमेंट है अच्छा खासा ये नॉर्मली जहाँ भी जहाँ भी कहीं रोड खराब हो जाते हैं वो आई मीन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि जितना आप उसको डिले करेंगे उतना ही वो जो है ना ख़राब से ख़राब तर हो जाएगा और सेफ्टी हैज़र्ड है मेनली सेफ्टी हैज़र्ड है और uh, सेफ्टी हैज़र्ड uh, हर हर शहरी के लिए चाहे वो रोड पे गाड़ियाँ हों आई मीन चाहे मोटरसाइकल्स हों मीन बसेज हों वस हों हर किस्म के लिए एक रोड हैज़िर है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी या उसकी मोटरसाइकिल या रिक्शा जो है खड़े में ना गिरे और उसको अवॉइड करने के लिए वो एकदम से आ, शार्प टर्न्स मारते हैं ये भी नहीं देखते कि पीछे कौन आ रहा है और ख़ुदा न खासा आ, इसी तरह से हादसा होते हैं Uh, मेरे सामने कल एक एपिसोड uh, हुआ वो अभी तक मेरे जहन से निकला नहीं है वो uh, मैं आ रहा था तो मेरे सामने ही दो मोटरसाइकिल आपस में हल्की सी टकराई थी लेकिन एक मोटरसाइकिल पे खातून भी बैठी थी पीछे वो फ़ौर से गिर गई ज़मीन पे और उनका उ, उनके फेस जाके जो है ना बहुत तेज़ी से रोड uh, पे लगा वो एकदम से लाइक like, शॉक में आँगे थे वो तो शुक्र है आई I मीन mean, बहुत एक्सेसिव कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन uh, sure जॉस को तो अच्छी हाँ नहीं उनका पूरा फेस बिल्कुल फ़ेस जो ना डायरेक्ट uh, नीचे रोड पे लगा था यानी मैं बिल्कुल पीछे तो मैंने तो हर चीज़ पूरी विटनेस की यानी अच्छा खासा उन, उनका बाउंस था यानी वो रख के ना तो और वो मिडिल एज से ऊपर ही थी जाहिर है और इट वाज नॉट इजी और ये चीज़ बहुत आम है आई I मीन mean, आपने रिसेंटली कुछ एक एक आध फैमिली ट्रक्स के नीचे आई मोटरसाइकल्स पे तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे फैमिली के साथ और बहुत ही अफसोस की बात है कि हम ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते एक तो ये कि हेलमेट्स जो हैं वो मैंडेटरी होने चाहिए आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा बहुत लोगों को उलझन होती है लेकिन ये सेफ देखें आपका लाइफ सबके पास एक ही है और आपको कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट करनी पड़ती हैं ठीक है और फेस एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और ख़ास तौर पे बाइक्स में इस इस, इस, इस तरह की ड्राइविंग इस तरह की, की सड़कें उसमें हाथ साथ होने जो है ना लाइक आई मीन इंसान का बचना रोज़ाना इट्स रियली अमेरिकल तो मैं तो ये सजेस्ट uh, करूँगा लोगों से कि देखें फैमिलीज uh, और जो पैसेंजर्स भी होते हैं बाइक पे उनको भी थोड़े से ना हेलमेट वगैरह uh, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन डेफिनेटली लेना चाहिए और गवर्नमेंट uh, को भी थोड़ा बहुत ये भी सोचना चाहिए कि एटलीस्ट uh, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट uh, को थोड़ा सा और लोगों के लिए मज़ीद आसान करें ताकि लोग जो हैं uh, उसको ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी कन्वींस को इस्तेमाल ना करें uh, वो चीज़ और दूसरी ये एक तो गा गाड़ियों पे टैक्सेस इतने होते हैं कि इसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आई मीन फैमिली सेफ्टी जो है ना वो एक इशू ही बना रहता है कि क्योंकि आप मोटरसाइकिल पे पाँच पाँच छः छः लोग होते हैं पूरी पूरी, पूरी फैमिलीज हैं तो वो बिल्कुल एक सेफ्टी हासिल है आ, हर तरीके से तो आई होप आई होप जो कंसर्नड अथॉरिटीज़ हैं वो इसका नोटिस लें और आ, हमारी सेफ्टी जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें किसी भी चीज़ के लिए उस चाहे वो रोड रोड्स की कंस्ट्रक्शन की जहाँ बात आती है आ, बहुत पोअर कंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पर इन्हें समझ में नहीं आता कि हर जगह दुनिया में रोड्स इस्तेमाल होती हैं यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है उसके बावजूद रोड इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं दान साहब यही हमारा जो हो है, आज का जो टॉपिक था वो रोड्स की बात होते होते वो टॉपिक रह गया लेकिन वो आपकी बात के अंदर वो आ गया कि बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं खातन हजरात वो आज हम बात करने वाले हैं सेफ़्टी के हवाले से आपकी सेफ़्टी के बारे में गवर्नमेंट तो नहीं सोचेगी और आ, मैं बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर कोई एक्शन भी लेगी या कुछ सोचेगी भी अनलेस के इस शहर को कोई ऐसी जैसे कहेंगे कि क़्यादत मिल जाए ऐसा मेयर कोई इस शहर के अंदर मुंतखब हो जाए जो आ, जो है वो इस शहर की सड़कों को ठीक करने के साथ साथ बाकी जो जितने भी शहर के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर सके सेफ्टी के ऊपर ही बात करते हुए पहली चीज़ तो हेलमेट है जाहिर है फिर उसके ऊपर ओवर स्पीडिंग है बाइक्स को अवॉइड करना तो हम कह ही नहीं सकते ना क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही तो अफोर्डेबल जो कन्वेंस है वो रह गई कराची के शहरीों के पास तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो हेलमेट जिसकी आपने अभी बात भी मेंशन की भी मैंशन किया आपने हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी आता है खैर आधे शहरीों ने तो हेलमेट पहने ही नहीं होते जो बाइक राइड कर रहे होते ख़ास पर तो अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो हेलमेट को यूज़ नहीं करते वो कहते हैं कि नहीं जी अब तो कूल नहीं लग रहा है तो एक तो सजेशन uh, भी कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के लिए जहाँ ये लोग बात करते हुए नजर आते हैं कि हम जो है वो हमारी प्रायोरिटी है कि हेलमेट के जो है वो सेट किया जाए शहरी को शहरीों को भी इस तरफ आना चाहिए बाज अव हम देखते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी ट्रैफिक पुलिस और मीडिया uh, के साथ मिलकर शुरू करती लेकिन अगर जहाँ बाकी चीज़ों के लिए हम कोई भी चीज़ हमें राइज करनी होती है तो थ्रू मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो हम एक कैंपेन चलाते हैं कोल uh, कैम्पेन cool जिसके बारे में कहा जाता है तो आ, अगर हम हेलमेट के लिए ऐसी कोई कैंपेन लॉन्च कर सकें जिसके ज़रिए से नौजवानों में हेलमेट लेने का पहनने का और वो पहन के बाइक चलाने का आ, रिवाज आ सके तो इट विल बी वेरी हेल्प। बिल्कुल आई I मीन mean, और दूसरी चीज़ ये कि हेलमेट बनाने वालों को भी थोड़ा बहुत यहाँ के वेदर को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा ऐसे हेलमेट डिज़ाइन करें कि जिससे जो है ना गर्मी ना लगे या लेंस फॉग आई मीन बहुत एवेन्यूज़ हैं इसको टारगेट करने के लिए डेफिनेटली एक सोशल मीडिया कैंपेन अवेयरनेस की होनी चाहिए उसके अलावा तो दूसरी चीज़ एक मैं नोटिस करता हूँ खास सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि बहुत सारी बाइक्स की लाइट्स टूटी हुई होती हैं ठीक है थीके? और रिक्शा आई I मीन mean, ये आई I मीन mean, सिर्फ हर ऑलमोस्ट हर गाड़ी की आई मीन से गाड़ी भी नहीं लाइक ट्रक्स वगैरह इतने बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं लेकिन उनको देख के ही डर लगता है वो बिल्कुल ना लाइट होती है उन पर कोई किसी किस्म का रिफ़्लेक्टर नहीं लगा होता और डार्क कलर्स होते हैं रात को आप कहाँ देखेंगे हर जगह हर जगह तो लाइटें नहीं जल रही होती हैं और सॉरी टू यू ऑफ एटी परसेंट ऑफ़ दी स्ट्रीट लाइट्स इन कराची है ही नहीं या है तो वो जलती नहीं है लेकिन वो, अ, अ, मैंने कहीं पढ़ा था कि कराची lights, तो उस पर भी लाइट नहीं चल रही थी लेकिन अभी भी वो अपना क्लिफ्टन ब्रिज पे है उसका लेकिन उस पर भी लाइट नहीं चल रही होती तो हाउ हाउ आईरोनिक जो है ना वो uh, कराची इज सिटी ऑफ लाइट्स का जो आपका बेसिकली you know, uh, एक सिटी uh, सिम्बल है वही भी लाइट लाइट उस पर भी लाइट नहीं जल रही कराची द सिटी ऑफ लाइट ये आने वाला नाम जो है वो कराची की मिथ बन के रह गया है हमारे आने वाले बच्चे जो होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बुक में पढ़ाया जाएगा इट वंस वंस अपॉन अपॉन अ अ टाइम टाइम कराची द सिटी ऑफ लाइट राइट राइट तो ये चीज़ें लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना खुद अब देखें सेफ्टी की बात है अभी हम उस पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं लेकिन लाइट्स डेफिनेटली और अगर कोशिश करें पीछे देख लें कि कोई और तो आ, आपके रैश ड्राइविंग से या आपके बिल्कुल आ, एक शार्प कट से किसी और को तो पीछे नुकसान नहीं होने वाला आई मीन आई नो इट्स आसान ये कहनी ये बातें कहना आसान होती हैं लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनको बेसिकली करना चाहिए रिक्शा मैं I mean, बहुत दफ़ा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रोड पे रोज़ाना ही नज़र आ रही थी कि ये चीज़ अवॉइड हो सकती है कि भाई एक गाड़ी है वो बीच लेन में है और वो उसके पीछे जो है ना हजारों लोग आ रहे हैं लेकिन वो अपनी लाइन लेन चेंज करके स्लो लेन में नहीं आ रहे ज्यादातर ये ये जो है वो बाइकर्स करते हैं और रिक्शा वाला करते हैं जी जी वो सुजुकी सुजुकी जो आपकी नॉर्मल वो भी कुछ हम सब ऑलमोस्ट सभी में, सबी में सबी आप रैश रैश और राइडिंग सभी कर रहे होते हैं जी और फिर फिर ये होता है कि हेवी ट्रैफिक है उसको कभी भी फैस लेन में नहीं होना चाहिए आई मीन फैस्ट लैन तो अमी खैर यहाँ पे वैसे रोड छोटे हैं लेकिन हैवी ट्रैफिक आप हेवी ट्रैफिक को तो नहीं होना चाहिए फास्ट लेन में ख़ास तौर तो पर सिटी के अंदर आप कैसे जो है ना इतना बड़ा आपका लोड है आपके ऊपर ब्रेक इतना आसान नहीं होता है फास्ट फास्ट लेन में नहीं होना चाहिए डेफिनेटली खैर होपफुली होपफुली आज के इस डिस्कशन से लोग थोड़ा बहुत यू you नो know, कोई कोई तो अवेयरनेस आए हो दो ती, दो तीन चीज़ें जो मैंने मैंने नोटिस की हैं अपने तौर पर वो एक तो आ, ये कि वी आर नॉट टू टॉक अबाउट ओनली द बाइकर्स बट द रिक्शर्स रिक सो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो कार्स वाले हैं जी फोर व्हीलर जी जी लग्जरी कार्स को तो मैंने देखा है खैर उनकी लाइट्स भी होती हैं प्रॉपर एंड एवरी थिंग इंडिकेटर्स भी चल रहे होते हैं और लेकिन सुजुकी जो आपने बात की वो रिक्शास बाइकर्स ना इनके साइड मिरर्स सही होते हैं ना ये ड्राइविंग का ख्याल रखते हैं इनको एक लेन से दूसरी लेन में जाना है या फिर कहीं से कट लेना है तो ये इंडिकेट नहीं करते हैं मोस्टली ऐसा ही होता है और इला माशाल्लाह जिन बाइकर्स के जो है वो जिन बाइक्स के इंडिकेटर्स लगे हुए भी होते हैं बाद अवत वो, वो यूज़ नहीं कर रहे होते अब पता नहीं वो शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो चलते ना हो या फिर यूज़ करना ही जो है वो उसको परेशानी समझते हो तो ये एक बहुत मतलब सीरियस किस्म का इशू है कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की पूरी करती एक ये है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ़ से कोई इस तरह की कोई खास नहीं है सिग्नल्स बंद हैं सो ऑन मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंतज़ामी मामलों के हवाले से है और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ हैं इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं लेकिन अब बात आती है ना हमारे ऊपर आवाम भी तो है ना तो हम कितना चीज़ों को फॉलो करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है और उस बाज़ा तो यही देखने में आता है कि प्रॉपर ट्रैफिक गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से उसकी वजह से ही बहुत सारे हादसा होते हैं बिल्कुल बिल्कुल आई I मीन mean, देखें इंसान जो सिस्टम्स बनाते हैं वो इसलिए बनाता है कि थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाए ठीक है वरना बिल्कुल के हो हर जगह से ये जो आ, हम लोग रोड सामने बनाए हुए हैं कि इस रोड पे ट्रैफिक वन वे जा रहा है इस तरफ वापस आ रहा है हो ये सिस्टम्स हैं आप सिस्टम्स को फॉलो करेंगे तो आप हादसा से बच सकते हैं हादसा नॉर्मली जब भी होते हैं जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप दो दूसरा एक्सपेक्ट नहीं, नहीं कर रहा होगा कि आप इस वक्त करेंगे लेकिन अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मेरे सामने से कोई और मेरी तरफ़ आ रहा हो हाईवे आई मीन कोई आई मीन इवन किसी रोड आई मीन ये मेन रोड है आप कैसे रॉन्ग वे आ रहे हैं ठीक है और आप रॉन्ग वे भी आ रहे हैं और उसके बावजूद आप आप मुझे ऐसे फील कर रहे हैं कि आप सही है मैं गलत हूँ <laughs> कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सभी रॉन्ग वे पे आ रहे होते हैं आप अकेले होते हैं वो राइट वे पे, पे जा रहे होते हैं तो लगता है कि राइट क्या मैं सही जा रहा हूँ या क्या तो ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर सिस्टम सिस्टम्स जो हैं वो बने हुए हैं लोग उसको फॉलो नहीं करें दूसरी तरफ जो जैसे आपने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव है वो वो भी हैं कि कुछ आ, सही तरह से नहीं है आप जैसे रोड पे जो हैज़र्ड होते हैं जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि रोड ख़राब है वो वो सब भी कहेंगे कि बारिश है ये वो ठीक है लेकिन उसके बावजूद आप देखें मैन होल्स जो हैं, वो खुले हुए होते हैं तो बीच में मैन होल्स कहाँ आते हैं रोड पे और अगर आते भी हैं तो आप उनको कवर इस तरह करें कि वो गाड़ी के लिए या किसी भी आ, किसी भी ट्रैफिक के लिए वो ऑप्स्टिकल नहीं बढ़े वो मैन होल्स ऐसे मैन होल्स ऐसे होते हैं कि वो गाड़ी का कबाड़ इनके तो वो स्पीड ब्रेकर से भी बदतर होते हैं रियली फिर स्पीड ब्रेकरस की प्रॉपर वो नहीं है कोई डेफिनेशन नहीं है कहीं पर स्पीड ब्रेकर जो है वो दो फिट बड़ा है ऊंचा है तो कहीं पे कुछ है कहीं पे उसकी ग्रेडिंग सही नहीं हुई भी, कहीं तो कहीं पे स्पीड ब्रेकर के नाम पे खड़े कर देते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो वो हर जगह जो है ना एक, एक, एक स्टैंडर्ड नहीं है आपका पर्पस है गाड़ी को रोकें बिल्कुल ठीक है रोकें आप स्पीड ब्रेक करें उसकी लेकिन कार ब्रेक ना करें हाँ <laughs> <जैने का बेसिस laughs> बोन्स, बोन्स ब्रेक ना करें उस ये ए, ए, क्योंकि देखें हर चीज़ गाड़ी जब गाड़ी यानी सबके एसेट्स हैं टिकेट है वो टिके मोटरसाइकिल हो रिक्शा हो ये सब चीज़ें टूट फूट होती हैं नॉर्मल वेट एंड टेर होता है हर जगह लेकिन ये जो रोड्स पे स्पीड पे गाड़ी खडे में गिर गई या कुछ भी इस तरह की चीज़ों के स्पीड ब्रेकर पे नीचे सालन सा लग रहा है या कुछ लग रहा है ये सब खर्चे एडिशनल जो है ना लोगों की पॉकेट से जा रहे होते हैं ये गाड़ी के हर चीज़ पर वेर ठेर बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ पे इसलिए गाड़ियाँ जो है ना आप दूसरे लोग देखें गाड़ियाँ जो है ना लाइक मिलियन मिलियन किलोमीटर्स कर रही होती है कोई इशू नहीं होता यहाँ पर लाइक डेढ़ डेढ़ लाख दो लाख में जो है ना आपको इंजन चेंज करना पड़ा होता है पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है गाड़ी की मेंटेनेंस मेनटेन्स ड्राइवर भी चेंज करना पड़ता वो बिल्कुल और सीट बल्स का लोग इस्तेमाल कम करते हैं यहाँ पे गाड़ियों के अंदर और लाइट्स के एक बहुत बड़ा इशू है लाइट्स सिर्फ पीछे की आगे की इंडिकेटर तो भी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं आई I मीन mean, ये ये काफ़ी चीज़ें और फिर एक और चीज़ है वो है गाड़ी के धुआँ निकलना हुँ, हुँ. जो कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत एक्सेसिव धुआँ निकल रहा होता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे होते अब आप देख लें लाइक ले, पचास गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें से एक गाड़ी जो है उसका बिल्कुल इंजन खराब है और वो ठीक ठाक आप उसको रोक के भाई यार आपकी वजह से इतने सारे लोग जो है ना वो आपकी पोल्यूशन से ओजोन मतलब कुछ, 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 कुछ की तो बात छोड़ ही दें मतलब लोग लो हैं आसपास के बिल्कुल तो एस्तम और वगैरह इतने सारे सारे होने जो हो शुरू हो गए कराची के अंदर पोल्यूशन भी है एयर पोल्यूशन भी है फिर ये स्मोक पोल्यूशन ये सारी तो ये बहुत एक ये चीज़ है जो लोगों को ख़ुद भी ख़्याल करना चाहिए भाई आपकी गाड़ी आप उसको थोड़ा सा क्यों चाहते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ होना ख़ुद भी परेशान दूसरों को भी परेशान ये कोई वो नहीं है और पुलिस को भी चाहिए कि एटलीस्ट आप ऐसी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करें आप उनका चलान ना करें कि उसको वार्निंग दें और अगर आप आई मीन सम सम समथिंग हैज़ टू गिव के जो है ना ये चीज़ें ना हो जो चीज़ हम अवॉइड कर सकें हमें चाहिए कि हम अवॉइड करें। अच्छा सेफ़्टी की जहाँ तक बात अभी हम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक तो ये है कि हेलमेट और ये सारी लाइट्स वगैरह का प्रॉपर ये सब करना ज़रूरी है उसके अलावा ये भी होता है ना कि जैसे कि अभी आपने केस डिस्कस किया कि खातून वो जो है वो नीचे गिर गईं तो ये अगर डबल सवारी या डबल राइडिंग जो है वो हो रही है तो उसके अंदर दोनों का हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है ये दुनिया भर के अंदर ट्रैफिक लॉज में दुनिया से है ये बहुत ज़रूरी होता है दोनों के जी, अगर जी, ना हो तो चलान हो जाते हैं बिल्कुल 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 आई I मीन mean, वो आई I मीन mean, जो भी बाइक पे होता है चाहे वो एक बंदा हो दो बंद हो दोनों को हेलमेट पहनना लाजमी है जी जी यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे कोई भी हेलमेट नहीं पहना होता लेकिन अगर अगर पैसेंजर्स हैं तो पैसेंजर्स तो डेफिनेटली मैंने कोई भी किसी भी पैसेंजर को अभी तक नहीं देखा कि वो हेलमेट पहने हुए हों बिल्कुल मैंने भी नहीं देखा ठीक है ना आ, तो ये एक डेफिनेटली एक, एक इश्यू है जिस जो कंसर्न है आ, मुझे मुझे अंदाज़ा है कि ये सब बातें कहना आसान है लोग क्वेश्चन को, करते हैं कि भाई एक हेलमेट भी जो है पता नहीं एक हज़ार डेढ़ हज़ार जो भी कॉस्ट उसकी होती है तो वो चीज़ वो एक ही ले लें तो फिर पैसेंजर्स के ले लें फिर अगर बच्चे हैं आई I मीन mean, आई लेकिन देखें सेफ्टी से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना हम हम हमेशा आ, कोशिश यही करते हैं कि सेफ रहें किसी भी तरह हर चीज़ बेसिकली उसी तरह से आपको जॉब पे भी सेफ़्टी चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप घर वापस आएँ आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप सही सलामत वापस आएँ तो ये सेफ़्टी इज़ एन इशू हर जगह आम, तो ये प्रोकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे ठीक है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक रोल है खुद हमारा भी एक रोल है और इसी तरह से जो है ना हम थोड़ा सा क्योंकि हम इन जब ज, इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें आप ये देखें कि टाइम कितना ज़ाया होता है इंसान का कि अगर ट्रैफिक में फंस जाए सिर्फ इसलिए कि रोड ख़राब है या कि सिर्फ इसलिए कि जो है ना एक गाड़ी जिस जिसकी वजह से जो है ना सब ट्रैफिक रुका हुआ है यानी ये हर जगह देखें गाड़ियाँ हर जगह है, हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं किया जाता ठीक है ना टाइम पे एड्रेस नहीं किया जाता अगर किया जाता है इट्स टू लेट ऑलरेडी तो आ, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और वो यही है कि हमारा जो अच्छा खासा जो टाइम होता है वो तो स्ट्रेस ले, ले लेता है ड्राइविंग जब भी कोई कराची में ख़ास तौर पर लोग ड्राइव करते हैं या किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट रोड्स पे हैं सबको जो है स्ट्रेस होता है आई I मीन mean, uh, खुदा ना खासा कहीं से भी कुछ भी कोई भी आएगा है। और आ, मार के चला चले जाए। जाएँ तो ये तो एक डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है ये तो हमने बात कर ली ना ट्रैफिक एंड बाइक राइडिंग रोड्स सारी चीज़ें एक और बहुत बड़ा इशू uh, है सेफ्टी के हवाले से सेफ्टी भी बात हो रही थी तो मेरे जहन में आया वो ये कि आप देखें अगर पिछले दो तीन साल की भी बात की जाए कुछ बड़ी बड़ी आग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर या ऑफिस के अंदर आग लगी है ऐसी ऐसी जगह हैं कि जहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकते आप और मैं के यहाँ पर जो है वो कोई सेफ्टी का सिस्टम मौजूद नहीं था या फिर लोक ट्रेंड नहीं थे या फिर फायर एक्सटिंगश नहीं थे उसकी वजह से जो है वो ये इश्यूज हो गए ऐसी ऐसी जगह अब मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो है वो एक तो अमला नहीं होता क्योंकि वो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है हर हर कंपनीज के अंदर इंटरनेशनली अगर ये तो ये प्रोटोकॉल्स हैं कि बाकायदा एक फायर डिपार्टमेंट भी होगा जिसके अंदर तीन चार पाँच छः कंपनी के वॉल्यूम के हिसाब से वो अलग अलग स्टाफ हायर करते हैं तो एक तो वो है और दूसरा ये कि जो बाकी लोग जो काम कर रहे होते हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं कि अगर ऐसा हो जाए और स्टाफ मौजूद ना हो या कम हो तो आपने भी इसको किस तरह से हैंडल करना है बाकायदा फायर एक्सटिंगशर्स जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं प्रॉपरली वो सारी चीज़ें लोगों को करना है। अब यहाँ पर लास्ट यहाँ पर जेल चोरंगी पे एक बड़ा स्टोर है शॉपिंग सेंटर है शॉपिंग स्टोर है सॉरी तो वहाँ पर जो है वो आग लगी और वो चार पाँच छः सात आठ दिन नौ दिन दस दिन ले गई और उसके बाद वो सिलसिला भी चलता रहा और इतना टाइम लग गया उस आग को बुझाने में वहाँ पर एक तो ये था कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं थी बाकी जगहों तो पर भी सेम इश्यूज़ यही रहे वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता लोग ट्रेंड नहीं होते पता ही नहीं होता करना क्या है तो इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली ये हो रहे हैं ये इसके ऊपर कोई और कोई चीज़ आती भी नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना इधारों की तरफ से आती है इस पर क्या कहेंगे देखिए ये भी एक डेफिनेटली uh, बहुत बड़ा इशू है ख़ास तौर पर uh, बड़े शहरों में और कराची के जैसे आपने बात की कि पिछले दिनों भी uh, नहीं मैं तो ऑलमोस्ट uh, दो साल से मॉन्टेड नोट कर रहा हूँ कि एवरी कपल मंथ्स कोई ना कोई बहुत बड़ी आग लग जाती है ठीक है उसमें चाहे वो कमर्शियल में हो रेजिडेंशियल में हो तो आई मीन नुकसान ठीक ठाक हो जाता है बहुत बड़ी बड़ी मिसहैप्स होते हैं आई मीन कमर्शियल में आपने जैसे कहा कि कंपनीज के अंदर कुछ बाहर प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेफ्टी सेफ़्टी डिपार्टमेंट होते हैं अब अब हर कंपनी तो उस लेवल पे नहीं कर सकती लेकिन आ, मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ पे कोई भी कंपनी इस तरह से करती हो लेकिन uh, मैं जब यहाँ पर मार्केट्स uh, वगैरह में देखते हैं हम लोग uh, दुकानें बहुत करीब करीब खचा खच भरी हुई हैं प्रोडक्ट से और um, कभी भी किसी भी वजह से आग लग सकती है ठीक है और लेकिन कोई सेफ्टी मेकनिज़म प्लेस नहीं है फायर आई मीन वहाँ पर uh, लाइक वहाँ पर मेरा मतलब है कि बाहर नॉर्मली फायर uh, का एक सिस्टम uh, लगा होता है इन प्लेस लगा होता है बिल्डिंग्स के अंदर फिर फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग, अलग जगह लगा हैं यहाँ पे अगर इस तरह मुमकिन नहीं है तो मेरी सजेशन ये होगी कि जितनी भी जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे भी है जहाँ पे भी दुकान है तो एटलीस्ट लाइक एर् इर्द गिर्द की पाँच या दस दुकानें मिलकर एक फायर एक्सटिंग्विशर में इन्वेस्ट करें ठीक है तो खुदा खुदाना खासा कहीं पर भी कुछ होता है तो एटलीस्ट एक रीच में तो हो कोई फायर एक्सटिंग्विशर इसी तरह अपार्टमेंट्स में भी ऐसे ही होना चाहिए कि आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वहाँ उसमें एक फायर चिंगशन होना चाहिए और इस तरह की आ, आ, जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ कभी भी डिस्कशन होना चाहिए कि खुदा न खास अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या करना चाहिए कोई प्लान होना चाहिए ताकि लोग एकदम से पैनिक में नहीं और आखिर वक्त में सोचें कि भाई क्या करना है और फायर एक्सटिंग्विशर और सिर्फ दुकानों में ही नहीं आपको काफ़ी जगहों पे जो है ना उसका लाइक पुलिस के पास होना चाहिए कि खुदा ना खासा कर कहीं गाड़ी में आ किसी की लगती है तो वो वहाँ पे आए और बाय द वे एक चीज़ मैं मेरे जहन में उस वक्त आई थी कि मैं मेंशन नहीं कर सकता जो गाड़ियाँ पुलिस की भी गाड़ियाँ उनमें भी लाइट्स नहीं होती है ये, नहीं। ये मतलब आ, कितनी आ, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा लेकिन कितना बड़ा मिसाइल है जी हाँ yeah. तो ये एक, एक, बहुत बड़ी चीज़ है और फिर आई मीन I mean, अगर लोग उन्हीं को ही देख के फिर कहते हैं कि भाई अगर वो नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाए तो एनी वेज लेट्स गेट बैक उसमें तो फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर आम होना चाहिए लोगों को उसका इस्तेमाल आना चाहिए और uh, एक uh, हम और जो कुछ चीज़ों में इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हम बात करें सेफ्टी की उसमें मैंने जो यहाँ पर एक और चीज़ नोट की है वो ये कि वायरिंग जो है ना बहुत ही आ, यहाँ पर आ, उसकी बिल्कुल केयर नहीं की के जाती किसी भी किसी की मैं आने वाला था। जी तो जी हर जगह आप देखेंगे कि वायर्स का गुछा लगा होता है भी भी भी। और अजीब सा लगता है कि भाई अगर खुदाखास्तक कुछ होता है किसी को तो ये भी नहीं पता कौन सी वायर क्या लेने <laughs> हर जगह ऑलमोस्ट आप देखेंगे या तो तारें लटकी भी होती हैं कोई मार्किंग नहीं होती सब ब्लैक नजर आ रही होती किसी को नहीं पता ये किस चीज़ की वायर है इसको हाथ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए और गुच्छे बने होते हैं बाकायदा इन्हें इतना जंबल होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे कभी कुछ होगा नहीं लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है अब तो आप ये जितनी दफ़ा भी बारिश हो रही है ना पिछले पाँच छः सात आठ दस साल से तो हर दफ़ा जब भी बारिश हो रही है कोई ना कोई करंट लगने की वजह से हादसा होता है उसकी वजह जो है वो बेसिकली यही होती है कि ओपन वायरिंग है केबलिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है कोई प्रिकॉशंस नहीं ली जाती कोई सेफ्टी का कोई मैकेनिज्म नहीं है uh, इतना बड़ा इदारा है कि इलेक्ट्रिक जो पूरे कराची के अंदर बिजली सप्लाई करता है लेकिन uh, उनका भी यही हाल है से जो उनका हाल है वो फिर आवाम का हाल है जो आवाम का हाल है वा हाल है तो सब मस्त है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल वो आई I मीन mean, कभी कभी इंसान पॉइंट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है और फिर कोई हम आंसर्स ढूंढने होते हैं कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया में हर जगह लोग रहते हैं सब अपनी सेफ्टी का कोई ना कोई जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होते हैं यहाँ पर ऐसा ऐसा सोचते क्यों नहीं है लोग अच्छा मैं आ, एक लोग कहते हैं ना डिफ्रेंशिएट आप लोग करते हैं क्लासेस को लेकिन ये एक हकीक़त है कि मैं कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे पोश एरियाज़ हैं कराची के उनके अंदर मैं बहुत सारे अपार्टमेंट्स में आना जाना होता है फ्रेंड्स हैं फैमिली सर्कल्स हैं और वहाँ पर जो है वो ये चीज़ इस तरह की नहीं देखने में आती लेकिन हम दीगर इलाकों की बात करें ना वहाँ पर एक तो टू प्लस थ्री की इजाज़त है उसके अलावा भी छः छः मंजिला और तेरह मंजिला बारह मंजिला ग्यारह मंजिला आठ मंजिला ये इमारतें बनी हुई हैं बट कोई ना उस मटेरियल की कोई सेफ्टी का कोई वो ख़्याल है कि हम हल्का मटेरियल लगा रहे हैं तो ये इस तरह कोई नुकसान हो जाएगा ला ना करें कोई ना कोई वायरिंग इस तरह की है कि जिसके अंदर कोई एहतियात की हो ओपन ना उसके अंदर जो प्रॉपर उसकी आ, पाइपिंग होती है पूरी कि कोई भी जो तार है वो बाहर ना हो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो होती ही नहीं है सिरे से नहीं होती तो ये मतलब हर किसी भी जगह पर आप चले जाए ना किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी उसके अंदर देख लें सेफ़्टी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं जो आपने पॉइंट की उसके अलावा भी है कि आप इवन जो इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स होते हैं उसमें भी जो है जो एक, जो अंदर का जो मटेरियल होता है बहुत चीप क्वालिटी का होता है और उसके मेल फंक्शनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आप जब चीज़ लेने जाते हैं तो आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और एक चीज़ ले लेते हैं कि प्राइस में बजट में आ जाए लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म असरात होते हैं वो सही नहीं होते क्योंकि वो कभी भी चीज़ जो ना आपको बहुत बड़ा ही काम कर ही नहीं सकती ना सही काम करती नहीं नहीं होगा सिल्वर भी नहीं होगा कुछ और ही मटेरियल लगा होता है बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल तो वो फिर काम ही नहीं करता बिल्कुल काम नहीं करता और फिर वो उन, चीज़ों के जलने के बहुत चांसेस होते हैं बिल्कुल और फिर ये जब खुदा खासा जब इस इलेक्ट्रिक की आग लगती है तो वो I mean, आई मीन बहुत जल्दी जो है ना उसके चांसेस होते हैं कि वो बहुत इन एक्सपोजर हो जाते हैं छोटे छोटे डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी डिवाइस कहाँ पर लगी है आपको शायद याद हो या आपने आ, सुना हो सदर में एक बहुत बड़ी मार्केट है कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है कोपरेटिव मार्केट वहाँ पर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी आग लगी जिससे अरबों रुपयों का नुकसान हुआ अलहमदिल्ला उस वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हो क्योंकि वो रात के वक्त हुई थी और उसकी वजह जो प्रॉपर उसका रीज़न है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जी नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इस तरह आ, मैं काफ़ी चीज़ें इस तरह की मेरे नज़र से गुजर गुजरी हैं रिसेंटली कि अच्छे खासा लाइक जैनब मार्केट के पीछे की बात करें मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गया मस्जिद के अंदर तो वो बेसमेंट के अंदर है अब वहाँ से मुझे एक किसी दुकान का जो स्टोर था वेयर हाउस आप कह रहे हैं छोटा सा वो था और उसकी खिड़की जो थी वो निकली हुई थी वेंटिलेशन के लिए लेकिन उस खिड़की से कोई भी कुछ अंदर डाल सकता है लाइक आई मीन आप कैसे जो है ना खुदा मीन I mean, कोई शरारत में बचा आ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा लेकिन इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कुछ भी हो सकता है ठीक है आपके कोई दुश्मन है या कुछ कुछ भी है बट इट्स ऐसी चीज़ें जो ये सेफ्टी हैज़र्ड्स में आती हैं आप उसको क्यों इस तरह से खोलते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल अल करे कुछ हो जाए लेकिन आप ऐसी चीज़ छेड़ें क्यों छोड़ें क्यों इस तरह से ए, एक एक और चीज़ जहन में आई मेरे आजकल जो है ना वो गैस कंप्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं मतलब एक एक तो हम चीज़ यूज़ करते थे गैस सिलेंडर्स दे आर कॉल्ड एज बॉम्ब अब ये जो कंप्रेसर्स यूज़ कर रहे हैं ना जी। ये जो है और बड़े बॉम्ब हैं हम बड़े मज़े से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर हादसा हो चुके हैं अब मैं आपको लियारी की बात बताता हूँ वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्योंकि वहाँ पर जो है वो गैस का कुछ इशू है ऐसी कराची की बहुत सारी आबादियों में को मैं एक इलाके को कोट करके इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ थोड़ी सी खुलकर सामने आ जाए तो वहाँ पर आ, लोग जो है वो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें सिलेंडर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और वो महंगा पड़ता है नॉल तो वो फिर गैस कंप्रेसर यूज़ करते हैं उस गैस कंप्रेसर में कभी भी आग लग सकती है ज़रा सी भी आ, बे एहतियाती जान ना उसको आग लगेगी और वो उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाएगी और वहाँ पर एक एरिया के अंदर वाक़ हो चुके हैं और एक और एरिया में वाकत हो चुके हैं लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं है ठीक है अब, अब इदारे तो यहाँ पर फिर से फेल हैं क्योंकि वो पता होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता लेकिन वही बात है कि लोग ख़ुद अपने साथ ज्यादी करने के लिए हर वक्त तैयार हैं अब वो जो गैस कंप्रेसर्स हैं ना अब डीप जो इसके ऊपर किया गया ना पता ये चला कि जो सेवरेज लाइंस है ना कंप्रेसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से एक ही बिल्डिंग में उन कंप्रेसर्स ने लाइन में से गैस को प्रेशर से खींचने की कोशिश की जिसकी वजह से सेवरेज लाइन फटी और उसके फटने की वजह से जो है वो सेवरेज का पानी उस लाइन में दाखिल हो गया और वो गैस की लाइन पूरी ब्लॉक हो गई सेवरेज की लाइन भी अब ख़राब हो गई डैमेज हो गई और वो लाइन भी ब्लॉक हो गई और ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं कर रहा कराची के बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो ये इशूज़ हैं और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है जी जया नहीं ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है अब मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक ट्रेन के अंदर भी कुछ गैस सिलेंडर के साथ हादसा हुआ था कि वो ट्रेन के अंदर गैस सिलेंडर ले गए थे क्योंकि पूरी काफ़ी लोग जाते थे तो उनका खाना इसी में बनाते तो ये देखें ये चीज़ें हैं जो yeah, yeah, इंसान know, को ख़ुद सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को भी और दूसरे की ज़िंदगी को भी ना रिस्क में डाल रहे हैं ए, इन चीज़ों पर हम लोग इतना ट्रस्ट कर लेते हैं जिनके कोई कभी हमें नहीं पता वो कितना आ, से भी भी नहीं बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है आई I मीन mean, कहने को तो हम कहते हैं कि देखें जो होने वाली चीज़ होती है वो नहीं तो हो जाती है लेकिन इंसान को खुद भी जो ना अपनी थोड़ी बहुत अकल से माल करके ऐसी चीज़ इतना इस तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने साथ भी दूसरे के साथ वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने अकल सिर्फ दूसरों को नुकसान बचाने के लिए नहीं दिए बल्कि अपना जो है वो अपना बचाव करने के लिए भी दिए ऊपर वाले खाने में दिमाग इसीलिए रखा बेश्य। है बेशक बेशक लेट्स होप कि देखें लोग थोड़ा बहुत इससे लेट्स होप फॉर द बेस्ट उम्मीद पर दुनिया जो है वो कायम है ये कहा जाता है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बहुत बहुत शुक्रिया दानवर्जा साहब एक बार फिर आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाजरीन ये जो डिस्कशन हमारी है या इससे पहले एक जो आप सोशन हम बात करते रहे हैं वो बेसिकली बात करने का मकसद ये होता है कि आप लोग उन चीज़ों को आ, सुने समझें उन पर अमल करने की कोशिश करें एट द एंड ऑफ़ द डे हम आपके फ़ायदे की ही बात कर रहे होते हैं एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों ने आ, बाइक्स की हमने बात की है गाड़ियों की बात की है रोड्स की बात की है सिलेंडर्स की बात हुई है और सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात हुई है ये जो हमने पॉइंट आउट जो की हैं चीज़ें ये बहुत थोड़ी सी हैं आई एम श्योर इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन में ट्वेंटी फोर सेवन ऐसी कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी को हमारी फैमिली की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं तो काइंडली एहतियात कीजिए आपकी एहतियात से ही आपकी फैमिली और आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई और ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है इसकी क़दर कीजिए और तमाम चीज़ों के अंदर बहुत एहतियात से काम लीजिए अपने मेजबान मोहम्मद साल वसलम को आज के एपिसोड से दीजिएगा इजाज़त फिर मुलाकात होती है आपसे अगली एपिसोड में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज